जब मन को अनुकूलता नहीं मिलती, उसे प्रतिकूलता मिलती है तो हट भी जाता है मन वहां से। तो मन केवल एक ही कार्य कर रहा है, अनुकूलताओं का संचय और प्रतिकूलताओं का परिहार। मन प्रतिकूल अवस्था में नहीं रहता, उसे अनुकूलताएं चाहिए, वे अनुकूलताओं का सृजन करता रहता है, अनुकूलताओं का संचय। उसी आभास के आशय में उसी और वो उत्सुक होता है जहां उसे सम्मान, समृद्धि, सुख, संपदा, ऐश्वर्य अथवा कोई ऐसे संवेग मिले जिसमें उसके अनुकूल रस है। इसे बड़ा साधन है, मन पर नियंत्रण हो जाए हमारा, बड़ा साधन है ये कि हम उसे समझ लें कि मन हमारा है कहां। जिसके लिए शास्त्र कहता है मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन दोनों काम करता है, बंधन में बांधता है और बंधन से मुक्त भी करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मोक्ष का कारण भी है, आनंद का भी कारण है। अगर इसे सद्विचार मिले, इसे सत्संकल्प मिले, इसे सद्भाव मिले, इसे सत्संगति मिले, जैसी इसे संगति अच्छी मिलेगी ये मन उधर हो जाएगा। सत्संगत्वेन निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम्, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, हम सारे मनुष्य इस धरती पर मन के कारण ही बंधे हैं या खुले हैं। हम मनुष्य इसलिए कहलाए कि हम मन की उपज हैं, हम मन की उत्पत्ति हैं, हम मन का परिणाम हैं, हम मन की फसल हैं, हम मन का फल हैं, हम मन की फलश्रुति हैं। इसे तो मनुष्य कहलाए हम। इस मन और बुद्धि चित्त की परिधि से पृथक कभी जब जीव पहुंचता है तब आनंद में पहुंचता है, अपने सत्य में, स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी सत्ता में। और वहां पहुंचने का नाम ही अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, अपनी मूल प्रकृति में लौटाने का नाम अध्यात्म है।